आईपीएफटी डाका लागातर कर्मसूचीर बिरुद्धे आगेई राज्य सरकारेर बिरुद्धे सुर चड़िएछिल कांग्रेस। अवरोध तोलार जन्य राज्य सरकार के चूड़ान्त समयसीमा बेधे दिएछिल प्रदेश कांग्रेस, किन्तु तारपरेओ कोनो फल हयनि। तादेर अवरोध आज छय दिने पड़ेछे, असुविधाय पड़छेन राज्यर मानुष। ताई एबार अवरोध तोलार जन्य सरासरि मुख्यमंत्री मानिक सरकार के चरम हुशियारि दिलेन बिजेपिर राज्य प्रभारी सुनील देवधर। अवरोध तुलते मुख्यमंत्री के 48 घंटा चूड़ान्त समयसीमा बेधे दिलेन तिनि। हमारा इस सरकार से निवेदन है कि आप 48 घंटे के अंदर ये समस्या समाप्त कीजिए। अगर आप 48 घंटे में त्रिपुरा के लोगों के रेलवे और हाईवे की आवाजाही चालू नहीं करेंगे, तब हम इस राज्य के मुख्यमंत्री की आवाजाही बंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल मुख्यमंत्री के आवास का 10,000 लोग लेकर घेराव करेगी। हम आपको 48 घंटे की मोहलत दे रहे हैं कि इस विषय को खत्म कीजिए। छह दिन होए गेलो, मुख्यमंत्री कैनो कोनो व्यवस्था निच्छेन ना बोले मंतव्य करें तिनी। कि इस राज्य का मुख्यमंत्री एक निष्कर्मा मुख्यमंत्री है और ये वापस साबित कर रहे हैं। 7 दिन हो गए, प्रदेश परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई हलचल नहीं है। राज्य जदि क्षमताय आसे बीजेपी सरकार, ताहले कोनो बंद अवरोध जे तारा मानबेन ना, ता आजकेर सम्मेलनेई फेर एक बार स्पष्ट करे देन तिनी। और हम यहां पर सत्ता में आएंगे तो एंश्योर कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी बंद, इस प्रकार से रास्ते को बंद करना, लोगों को परेशानी हम नहीं होने देंगे। सीपीएम मुखपत्र बिजनधर राज्य काउंसिलर ব্যাপারে যে ক্লিয়ারেন্স চেয়েছিল তা পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল দেওধরজি বলেন। उन्होंने हमारे पास कल कहते हैं, मैंने किसी मीडिया में पढ़ा, स्टेट काउंसिल पर क्लेरिफिकेशन मांगा है। बिजेंद्र जी, क्लेरिफिकेशन बहुत सारी चीजों के पहले आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, ये डबल स्टैंडर्ड जो लोग हैं, इनको किसी भी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहती। आईपीएफटी समर्थक अवरोध प्रत्याहर करे नेওয়ার आह्वान জানান তিনি। পাশাপাশি তাদের জন্য উন্নয়নের কথাও বলেন তিনি। आईपीएफटी को हम फिर एक बार अपील करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर आइए, काम कीजिए जनजातियों के विकास के लिए। ये ब्लॉकेड और बंद का छिछोरापन छोड़ दीजिए, सब लोगों के हित का काम कीजिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे, साथ मिलकर सीपीएम का हम पराभव करेंगे, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोगों के साथ हम कभी भी, अलग राज्य मांगने वालों के साथ हम कभी भी अलायंस नहीं करेंगे, ये हम फिर एक बार स्पष्ट करते हैं। কংগ্রেসের পর এবার বিজেপি। অবরোধ তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিলেন সুনীল দেওধর। তাহলে কি এবার বল প্রয়োগ করবে সরকার, নাকি আন্দোলনের পথেই হাঁটবে আইপিএফটি? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।